नमस्कार दोस्तों बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है सो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में क्या आपको इस शेयर पे जो है निवेश करना चाहिए या नहीं और जो इस शेयर में आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे कहाँ शेयर का जो है स्पोर्ट बनेगा कहाँ पर रेजिटेंस सारा हम आपको क्लियर कर देंगे शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो के इंडिकेट करें चार्ट सेटअप जो है वो इंडिकेट करें टेक्निकल लेवल जो है वो इंडिकेट करें वो भी क्लियर कर देंगे तो गाइज अगर आप जो है इस शेयर में निवेशक है के या निवेश करने की सोच रहे हैं तो वीडियो जो एंड तक जरूर देखेगा पूरा हम आपको जो है गाइज क्लियर करके देंगे तो चलेगा स्टॉक का जो है टेक्निकल जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है शुरू करते हैं गाइज तो गाइज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो के इंडिकेट करे फाइनेंशियल जो है वो के इंडिकेट करे और यहाँ पे जो है क्या मोमेंटम बन रहा है तो रतन इंडिया पावर में आप देख सकते हैं फ्राइडे को भी जो है स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें देखने को मिली और तकरीबन बन तीन परसेंट की जो एक स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें यहाँ पे बनती हुई दिखी पिछले एक हफ्ते में स्टॉक पाँच परसेंट गिरा और पिछले एक महीने में तेरह परसेंट जो एक स्ट्रॉन्ग तेजी और एक स्ट्रॉन्ग रैली बनी थी आपको पता है इसका जो एक क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें कंपनी ने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो था नंबर्स पोस्ट किए थे और उसके बाद स्टॉक में एक शानदार तेजी बनी थी और शानदार रैली बनी थी तो हमने आपको उसी टाइम कह दिया था कि अब आप जो इस रैली का फ़ायदा उठा के अपने जो है प्रॉफिट बुकिंग करके इस शेयर से निकले क्योंकि अब जो है कंपनी अपने अर्निंग्स को बार बार जो है इतना एवरेज नहीं कर पाएगी और जो इतने स्ट्रॉन्ग अर्निंग कंपनी ने पोस्ट किए बार बार जो कंपनी ये जो है रिज़ल्ट पोस्ट नहीं कर पाएगी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो अगला क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें कंपनी प्रॉफिटेबल ज़रूर थी लेकिन जो पिछला प्रॉफिट था उसके मुकाबले वो काफ़ी कम था जिसकी वजह से अब जो है ट्रेडर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी रतन इंडिया पावर को अभी आप जो है थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कीजिए अभी यहाँ पे जो है स्टॉक को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए और थोड़ा बेस बनाने दीजिए क्योंकि स्टॉक आपको पता है तकरीबन जो था आपका, आपका कहीं आठ एक छः सात रुपये से जो है कहाँ तक पहुँचा था तो अब जो है यहाँ पर अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी और थोड़ा एक वीक सेंटिमेंट देखने को मिलेगा तो अभी जो आप रतन इंडिया पावर को थोड़ा अवॉइड कीजिए और यहाँ पे जो अभी आप कोई भी बाइंग करने के बारे में मत सोचिए बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं रदिन इंडिया पावर जो है आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के देगा क्योंकि आने वाले टाइम में इनके जो ऑर्डर बुक वगैरह वो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ेगा फंडामेंटल्स जो है कंपनी के बढ़िया है कंपनी की पी रेशो वगैरह वो भी बढ़िया है रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी की है वो भी अब जो है धीरे धीरे बढ़िया होगी और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया है डेप्टी इक्विटी वगैरह जो है वो भी बढ़िया है इंडस्ट्री पी वगैरह भी बढ़िया है रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया है प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया आप देख सकते हैं मार्च का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था वो कितने समझा रहा था और उसके बाद जो जून का रिजल्ट आया था उसमें कंपनी नो डाउट प्रॉफिटेबल थी लेकिन एज कम्पेयर टू तो मार्च के प्रॉफिट्स से वो बहुत ज़्यादा डाउन था जिसकी वजह से अब यहाँ पे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं थोड़ा टाइम ये फेज चलेगा उसके बाद जो है स्टॉक स्टेबल हो जाएगा बाकी नेटवर्थ भी कंपनी के बढ़िया है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का बढ़िया है रिटेल इन अदर के वहाँ भी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के वहाँ भी है और डी और एफ के वहाँ भी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका है तो गाइज अभी जो है मैं रतन इंडिया पावर में आपको यही सलाह दूंगा और मेरी आपको यही राय रहेगी इस शेयर को भी आप अवॉइड कीजिए अभी जो इस शेयर में आपको एक वीक, वीक सेंटिमेंट और एक वीक ट्रेंड देखने को मिल सकता है और यहाँ पे कोई खास तेज़ी या कोई खास रैली आपको देखने को नहीं मिल सकती तो रतन इंडिया पावर को अभी आप जो है अवॉइड कीजिए और यहाँ पर कोई भी फ्रेश बाइंग करने के बारे में मत सोचिए बाकी लॉन्ग टर्म ये शेयर आपको अच्छे खास रिटर्न बना के देगा थोड़ा स्टॉक को स्टेबल होने दीजिए तो इस बाकी कोई भी अपडेट आता है स्टॉक से रिलेटेड हम आपको बता देंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए